स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। विधानसभा चुनाव 2018 के चलते द्वितीय चरण का प्रचार प्रसार के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुनावी हुंकार भरी। जांजगीर चांपा के बलौदा ब्लॉक में एक किसान सभा को संबोधित करते हुए अनेक मुद्दों पर चर्चा की। आज आपके बीच अकलतरा विधानसभा के चुनाव अभियान में ग्राम मलोदा में आया हूँ। हमारे प्रत्याशी सौरभ सिंह जी के चुनाव अभियान में उनके लिए वोट सहयोग समर्थन और आशीर्वाद मांगने एक एक वोट जो सौरभ सिंह को आप देंगे कमल में बटन दबाकर, वो एक एक वोट सौरभ सिंह को ही नहीं, ये मान के चलिए कि डॉक्टर रमन को भी आप आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपका एक एक वोट सहयोग समर्थन भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी, और आज जो वातावरण माहौल दिख रहा है, जो जोश खरोश दिख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पे कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान से आप कमल होंगे। आपकी ताकत को देखकर, युवकों के जोश खरोश को देखकर, इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें और माताओं की उपस्थिति, बुजुर्गों का आशीर्वाद, मुझे लगता है कि सिर्फ वोटों की गिनती बाकी है। यहाँ की जनता ने तो मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है। छत्तीसगढ़ में एक चरण के मतदान हो चुका है, 12 तारीख को वोट डल चुके हैं। मेरे जिले में राजनांदगांव में और बस्तर में 18 विधानसभा में मतदान हो चुका है। उस मतदान के बाद मैं यहाँ आया हूँ, और वो पहले चरण के 18 विधानसभा के सीट पे मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, 14 में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है, यानी छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद देने का काम कर दिया है। आज यहाँ आपके बीच आया हूँ, मेरे सारे वरिष्ठ साथी मंच में मौजूद हैं, सांसद कमला पांडे जी, यहाँ के हमारे प्रत्याशी सौरभ जी, हमारे पूर्व संसदीय सचिव छतराम देवंगन जी, यहाँ के खाद आयोग के अध्यक्ष ज्योतिरंजन दुबे जी, ओंकार सिंह ठाकुर जी, राजेश्वर पाटले जी, महादेव नेताम जी, मनोज मिश्रा जी, महेन दुबे जी, रमेश वैष्णव जी, दिनेश सिंह ठाकुर जी पूर्व प्रत्याशी, श्रीमती रश्मि देवांगन जी, जमुना देवी रात्रे जी, डॉक्टर जवाहर दुबे जी पूर्व विधायक, राजकुमार शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष, श्रीमती आरती सिंह जी, राकेश नेगी जी जो हमारे उत्तराखंड से आए, सभी साथी दुर्गेश स्वर्णकार जी, ओम प्रकाश सोनी जी, इमरान खान जी, अरुण गुप्ता जी और हमारे सभी साथी, ये चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरा हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ के इस चुनाव को देख रहा है, और ये छत्तीसगढ़ का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नया कीर्तिमान स्थापित यहाँ के कार्यकर्ता करने वाले हैं। जो पश्चिम बंगाल कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता कर सकते हैं। चौथी बार लगातार आपकी ताकत है, ये कार्यकर्ताओं जब वो मेरे सिर पे हाथ रखती है, उस माँ की आंख के आंसू देखता हूँ, उसकी पीड़ा देखता हूँ, उसके अंदर की खुशी देखता हूँ, और उसी आशीर्वाद की ताकत से ही डॉक्टर रमन यहाँ खड़ा है। वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान पूरे देश में हुई, और केवल चावल दे देने से सरकार नहीं बनती। कांग्रेस के मित्रों, उसके लिए चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति, गरीबों के लिए योजना बनाने की ताकत, और हमने वो ताकत पैदा की। गरीबों के लिए, गरीब का बच्चा बीमार पड़ जाता था, मैं डॉक्टर हूँ, बाद में मैं मुख्यमंत्री बना, और डॉक्टर के नाते मैं जानता हूँ कि गांव के गरीब की पीड़ा क्या है, उस माँ के उस बुजुर्ग की पीड़ा क्या है। गांव में रहने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता था, इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता था, उसके पास पैसे नहीं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का चावल दिन, छत्तीसगढ़ के किसान का बोनस दिन, जो मुख्यमंत्री जी जिन्होंने साइकिल
हमारा मुख्यमंत्री भी का नाम है, कहाँ ले आए हैं? बजलपुर। रमन सरकार के राजनीति आप लोग कैसे लगी बतावा? ठीक है ना, तो चौर वाला बाबा आप लोग का मुहैया करा है बतावा? हाँ, कागज है चौर वाले बाबा आप मन ल मोबाइल है, हाँ, आओ आवाज दे है, आवाज दे है, गैस सिलेंडर दे है, गैस सिलेंडर दे है। तो अपन भारतीय जनता पार्टी के पूरा समर्थन हवा, अपन भारतीय जनता पार्टी ले वोट करिए, है ना।